आज थर्ड मैं आपका हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। आज चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं रीड करना। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के महान नेताओं में से एक थे। जो महान नेता हैं ना, बड़े बड़े नेता हैं हमारे भारत के, उनमें से ये एक है। उन्होंने जीवन भर भारत की उन्नति के लिए क्या किया, प्रयत्न होता है कोशिश करना, प्रयास करना। बचपन में इनके गुणों को देखकर ही अनुभवी लोग समझ गए थे। अनुभवी होते हैं जिनको लोगों को तजुर्बा होता है, जिंदगी की समझ होती है, वो समझ गए थे कि ये बालक महान व्यक्ति बनेगा। ये उनको क्या समझ आ गया था कि जो ये बालक है वो क्या बनेगा, महान व्यक्ति बनेगा। जब गोपाल तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तब एक दिन अध्यापक ने कक्षा के बच्चों को गिनती का प्रश्न दिया, गणित का, मैथ्स का प्रश्न दिया। प्रश्न काफ़ी कठिन था, मुश्किल था प्रश्न, बच्चे उसे हल नहीं कर पा रहे थे। तभी छुट्टी की घंटी भी बज गई, अतः अध्यापक ने बच्चों को घर से प्रश्न हल करके लाने को कहा। उनको क्या कहा, प्रश्न को घर से हल करके लाने के लिए कहा। प्रश्न को बच्चे अपने घर चले गए। अगले दिन अध्यापक ने सबके उत्तर जांचे, मतलब चेक किए। पूरे कक्षा में केवल एक बच्चे का उत्तर सही था, शेष बच्चों के उत्तर गलत थे। अब एक बच्चे का उत्तर सही था, बाकी वाले सभी बच्चों के उत्तर शेष होता, बाकी सभी के उत्तर गलत थे। कुछ बच्चों ने तो प्रश्न हल करने की कोशिश ही नहीं की थी, ना की थी, और कुछ बच्चों ने आधा प्रश्न हल किया था। अध्यापक ने गोपाल को छोड़कर सबको डांट लगाई। क्या किया, उन सभी को डांट लगाई। उन्होंने गोपाल की बहुत प्रशंसा की, प्रशंसा होती है तारीफ करना। शेष बच्चे सिर झुकाए खड़े रहे, मतलब सिर नीचे किया और खड़े रहे, बाकी वाले बच्चे अपनी प्रशंसा सुनकर सब फूल जाते हैं। जब किसी की तारीफ होती है ना, सब क्या हो जाते हैं, खुशी से फूल जाते हैं। लेकिन गोपाल खुश ना था, उसके चेहरे पर उदासी थी, मायूसी थी उसके चेहरे पर, उदास था वो। अध्यापक ज्यों ज्यों उसकी प्रशंसा करते त्यों त्यों उसकी उदासी बढ़ती जाती। जैसे उसकी अध्यापक प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, वैसे वैसे वो और उदास हो रहा था। अंतिम में वह रोने लगा। बाद लास्ट में क्या हुआ, वो रोने लगा गोपाल, सॉरी, उसके बाद है गोपाल को रोते देख सब विद्यार्थी हैरान हो गए। सारे उसको हैरानी से देखने लगे। अध्यापक ही हैरान थे, अध्यापक जो पढ़ा रहे थे वो भी क्या थे, हैरान थे। उन्होंने गोपाल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रो क्यों रहे हो गोपाल, तुम तो प्रश्न हल करके लाए हो। बोलते तुम रो क्यों रहे हो, उसके सिर पे हाथ रख के बोला, ये दिखाओ ये रो रहा है, तो इस पे रखा हुआ है उन्होंने हाथ। बोलते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम तो प्रश्न हल करके लाए हो, तुम तो सॉल्व करके लाए हो। प्रश्न हल होता है उसका आंसर लाना, उत्तर निकाल के लाना उसका। गोपाल ने रोते रोते कहा, गुरु जी आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं किंतु मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। बोलते मैं इसके लायक नहीं हूँ, योग्य होता है किसी चीज़ के लायक होना। बोलते मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ, ये प्रश्न मैंने अपने आप हल नहीं किया, इसे मेरे बड़े भैया ने हल किया है। बोलते इसको मैंने अपने आप हल नहीं किया, इसे मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ, तो क्योंकि ये प्रश्न मेरे बड़े भैया ने हल किया है। अपनी झूठी प्रशंसा सुन के उसकी झूठी तारीफ हो रही थी, क्योंकि वो तो प्रश्न उसने हल नहीं किया था, तो मुझे दुख हो रहा है। बोलते मुझे दुख हो रहा है, ये सुनकर सब बच्चों ने सोचा कि अब अध्यापक गोपाल को डांटेंगे। लेकिन अध्यापक ने क्या किया, डांटने के बदले फिर उसकी प्रशंसा करने लगे। बच्चों सभी को लगा, जब उसने सच सुनाया तो बच्चों को लगा ये अध्यापक क्या करेंगे, गोपाल को डांटेंगे। लेकिन अध्यापक ने क्या किया, उसकी और प्रशंसा करने लगे। वे बोले, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने ईमानदारी दिखाई। ईमानदारी होती है सत्यनिष्ठा, मतलब होनेस्टी दिखाना। ये भी खुशी की बात है कि तुम अपनी झूठी प्रशंसा पसंद नहीं करते। बोलते ये भी खुशी की बात है कि तुम्हें, तुम्हारी अगर झूठी तारीफ कोई करेगा तुम वो पसंद नहीं करोगे। मुझे विश्वास है कि तुम बड़े होकर देश का नाम ऊंचा करोगे। बोलते मुझे विश्वास है कि तुम क्या करोगे, बड़े होकर देश का नाम ऊंचा करोगे। अध्यापक की कही हुई बात सही निकली, गोपाल कृष्ण गोखले देश के महान नेता बने। क्या बने, वो देश के महान नेता बने। देश के सभी नेता उनका बहुत आदर करते थे। आदर होता है किसी को मानना, किसी का सत्कार करना, वो करते थे। और ऐसे अगर आदर का मतलब सही करेक्ट देखा जाए तो सम्मान करते थे। महात्मा गांधी तो कई बातों में उन्हें अपना गुरु मानते थे। जो महात्मा गांधी थे
तो वो क्या करते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे कई बातों में। अब जैसे दिए हुए हैं शब्दार्थ, महान का मतलब होता है श्रेष्ठ, ग्रेट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, अनुभवी होता है अनुभव रखने वाला, तजुर्बा होता है जिसको किसी चीज़ का, हल होता है समाधान निकाला, सलूशन निकाला, फूल जाना खुश हो जाना हैरान चकित, प्रयत्न होती है कोशिल कोशिश करना, प्रश्न होता है सवाल करना, प्रशंसा होती है बड़ाई, किसी की तारीफ करना प्रेज करना, उदासी होती है दुख, योग्य होता है लायक, आदर होता है सम्मान रिस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, वो महान नेताओं में से एक थे। अध्यापक ने प्रश्न घर से हल करने के लिए क्यों दिया, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया था, छुट्टी की घंटी बज गई थी और कोई भी अध्यापक कोई भी बच्चा प्रश्न हल नहीं कर पा रहा था, इसलिए अध्यापक ने प्रश्न को हल घर से हल करने के लिए दे दिया। ये मौखिक प्रश्न है, ये आपने लिखने नहीं है, तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। उस समय उसके बाद है उचित विकल्प चुनिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन जिसको हम बोलते हो। उस समय गोपाल किस कक्षा में पढ़ते थे, तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। कौन गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे, महात्मा गांधी जी। सब किस बातों से हैरान थे, गोपाल के सवाल हल करने से सभी इस बातों से हैरान थे। उसके बाद है नेक्स्ट है सही वाक्य पर सही लगाना, गलत पे गलत लगाना। अध्यापक ने बच्चों को गिनती का प्रश्न दिया, हाँ दिया था ठीक है, सभी बच्चों ने प्रश्न हल कर लिया, नहीं सिर्फ एक गोपाल ने किया था, कृष्ण गोखले पूरा नाम उनका है, गोपाल कृष्ण गोखले ने हल किया था यह प्रश्न। अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल खुश हो गए, नहीं वो रोने लगे उदास हो गए। सच्चाई सुनकर अध्यापक ने गोपाल की प्रशंसा की, हाँ की थी। पाठ के शेष सर्वनाम क्या करना है, पाठ से शेष सर्वनाम शब्द चुनकर लिखने हैं, इनके ये उन्होंने उसे उसके आप, ये सारे सर्वनाम शब्द चुन के आपने लिखने हैं। दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित कर लिखिए, ये बालक महान व्यक्ति बनेगा। इसमें बनेगा क्या है, क्रिया है, क्रियाओं को रेखांकित करना है, बनेगा मतलब क्रिया है। बच्चे उसे हल करना पाए, पाए क्या है, क्रिया है। अगले दिन अध्यापक ने सबके उत्तर जांचे, जांचे क्या है, क्रिया है, उन्होंने चेक किया मतलब उसको क्रिया की काम किया उन्होंने। अध्यापक ने सबको डांटा, तो डांटा क्या है, क्रिया। उसके बाद है दिए गए शब्दों के विलोम लिखने हैं, मतलब उल्टे शब्द लिखने हैं। गुण होता है किसी के अंदर अच्छे गुण होना, अवगुण होता है बुरे गुण होना। प्रश्न करना मतलब प्रश्न पूछना, और उत्तर मतलब जवाब देना। रोना हंसना दिन रात कठिन सरल योग्य अयोग्य, ये आपने इस तक आपने करना है ये सारा। अब मैं क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये आपने जिस सारा एक सिर्फ मौखिक प्रश्न को छोड़ के सारा आपने नोटबुक पे लिखना है, और आपकी जो हिंदी राइटिंग बुक है उसका भी आपने एक पेज करके मुझे सेंड करना है।